संभाग से जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके के थुलथुली और नेदुर के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। इनके पास से बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि और भी कई नक्सली के शव मिल सकते हैं। इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है, जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है। इस विषय पर बस्तर आईजी सुंदर राज पी एवं नारायणपुर एसपी गौरव राय ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण भुजमोड़ क्षेत्र में तुलतुली गवाड़ी नेंदूर इस इलाके में मौद्रिक उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा डीआरजी नारायणपुर एसटीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आम सबमिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल, 303 इस प्रकार के अनेक ग्रेनेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद हम और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। आमतौर पर इस इलाका में PLG कंप्लेन नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एवं ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं, जैसे DKSRC मेंबर कमलेश, DKSRC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कार्य की उपस्थिति का सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा, शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुंचा गया, तो उसमें 10 ऐसा माओवादी कार्य जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी कार्य इसका डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफ़ी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन कर सकते जा रहा है और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता का इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अबुझमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी अबुझमाड़ में नारायणपुर दंतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में नेंदूर थुलथुली कावाड़ी के आसपास सूचना आई थी कि पूरी बस्तर डिवीजन, जिसमें अम्बई एरिया कमेटी भी आता है और इंद्रावती एरिया कमेटी के टॉप लीडर्स, टॉप नक्सल्स की वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पर एक जमावड़ा है। इस आसूचना पे सर्चिंग गश्त पे टीम्स निकली थी अलग अलग जगह से। दंतेवाड़ा DRG थी, नारायणपुर DRG थी, STF सारी टीम्स निकली थी 2 दिन पहले और कल दोपहर से लगातार और ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है, भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें कंपनी नंबर 6 इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदे एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीजन के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है।